सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट गेम प्ले। तो गाइस, आज हम फिर से आ चुके हैं टॉप 5 टेक्सचर पैक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं वो टॉप 5 टेक्सचर पैक जो कि एकदम ही न्यू है और 1.18.1 के लिए अपडेटेड है, और कुछ तो यहाँ से एकदम ही लेटेस्ट है जो कि रिलीज ही हुआ है 1.18.1 में। तो आज वाले टेक्सचर पैक में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज का वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। 30 लाइक्स का गोल रखते हैं, तो जल्दी से जल्दी अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। तो अभी बढ़ते हैं हमारे पहले टेक्सचर पैक की ओर। तो गाइस, आज का जो पहला टेक्सचर पैक है इसका नाम है बिटर डॉग्स, और बिटर डॉग्स जैसे नाम सुन के समझ में आ चुका होगा आप लोगों की कि आपके जितने भी डॉग्स होंगे वो काफ़ी कस्टम्स होंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि डॉग्स सारे के सारे डॉग्स अलग अलग है, जैसे कि ये वाला, और मुझे स्पीशीज का तो नाम नहीं पता। और आप लोग अगर अपने कस्टम्स कोई भी अगर पर्सनल आपका फेवरेट स्पीशीज है तो उसे आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग नेम टैग के मदद से यहाँ पे ले भी सकते हो। तो ये सारे बातें आपको जब लिंक दे दूंगा वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे ही सारे नेम्स है जो कि आप कस्टम यूज़ कर सकते हो। तो अभी बात कर लेते कि ये कैसे अलग अलग डॉग्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वुल्फ लिख देता हूँ, ये आ गया हमारा वुल्फ का एग, एंड फिर लिखते हैं बोन्स, एंड ये आ गया हमारा बोन्स। अभी अगर हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल उल्फ रखे तो यहाँ पे हमारा कस्टम कोई भी कस्टम जैसा उल्फ आ जाएगा, और लेकिन यहाँ पे जैसे हम इसे टेम करेंगे तो देख सकते हो ये वाला शायद से मुझे ये लगभग ये जाना पहचाना स्पीशीज लग रहा है, नाम याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी उल्फ को अगर आप टेम करोगे तो आपका यहाँ पे कस्टम हो जाएगा, मतलब ये देखो ये भी कस्टम एक डॉग स्पीशीज में बदल चुका है। तो ऐसे ही है, तो आप ये भी कर लेते हैं, तो देखो ये भी बदल चुका है। तो यही इस टेक्सचर पैक का यही खासियत है कि आपके वर्ल्ड में जितने भी डॉग्स या उल्फ कह लो होंगे उन वो सारे के सारे बेटर और भी बेहतरीन हो जाएंगे, और सबका अपना एक पर्सनल स्पीशीज होगा, तो सब यूनिक एकदम लगेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टेक्सचर पैक आप लोगों को रिकमेंड किया। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्सचर पैक की ओर। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टेक्सचर पैक है इसका नाम है कॉम्पाइलेंस 64x रिजोल्यूशन टेक्सचर पैक। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ चुका होगा कि ये जो टेक्सचर पैक है ये 64x का है। तो आप लोग अगर चारों तरफ देखोगे तो आपको बिल्कुल एकदम काफ़ी ज़्यादा क्या बोलो एकदम ही आपको लगेगा कि ये फेथफुल टेक्सचर पैक है, लेकिन ये फेथफुल नहीं है, ये है कॉम्पाइलेंस 64x। फेथफुल जो होता है वो 32x का होता है, और ये जो है 64x का है, तो ये और भी ज़्यादा शार्प आपको लगेगा। और ये जो टेक्सचर पैक है ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन आपको दिखेगा, हाँ, तो इसलिए मैंने ये टेक्सचर पैक रखा हो। और आपको तो पता है कि फेथफुल टेक्सचर पैक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वाला टेक्सचर पैक है, सभी को पसंद आता है, तो इसलिए मैंने इसे भी ऐड कर लिया। तो ये भी एक टेक्सचर पैक आपके बुक में ऐड हो जाएगा जो कि एकदम ही आपको फेथफुल जैसा फील देगा। तो इसमें और ज़्यादा दिखाने तो कोई है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल आपको फेथफुल जैसा लिएगा, लेकिन आप इसका रिजोल्यूशन जो है उस वो फेथफुल का डबल है, तो इसलिए। तो अभी चलते हैं हमारे थर्ड टेक्सचर पैक की ओर। तो गाइस, अभी जो हमारे थर्ड नंबर पे टेक्सचर पैक आता है इसका नाम है न्यू डिफॉल्ट प्लस। तो ये क्या करता है कि ये आपके गेम को काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बना देता है, और ये जैसे कि देख सक नाम से ही पता चल जाता है कि न्यू डिफॉल्ट प्लस है, तो ये आपके वैनिला ही रखेगा लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा कस्टम्स ऐड कर देंगे, जैसे कि एक कस्टम स्काई जो है ये पूरे टेक्सचर पैक का ही है। एंड यहाँ पे आपको डॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा कस्टम्स होंगे, लेकिन बिटर डॉग्स जैसा उतना तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे क्योंकि यहाँ पे भी आपको कुछ वेराइटीज़ ऑफ डॉग्स दिख जाएंगे। तो हाँ यही है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा कलरफुल कह सकते हो कि, और ये वाटर का भी एक कस्टम है जो कि वैनिला तो है नहीं, तो ये पूरे गेम को एक ये कह सकते हो एकदम 100% कंप्लीट टेक्सचर पैक है, और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लग रहा है। मुझे तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा कलरफुल एंड ब्राइट मज़ेदार लग रहा है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ शेडर्स के अलावा कोई टेक्सचर पैक खेलना है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे देखने में, तो ये वाला टेक्सचर पैक उसमें से एक है। तो इसका नाम है न्यू डिफॉल्ट प्लस, तो इसे भी आप लोग ऐड करके खेल सकते हो अपने गेम में। तो अभी चलते हैं हमारे फोर्थ नंबर टेक्सचर पैक की ओर, और ये वाला काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो गाइस, आपने माइनक्राफ्ट के ट्रेलर्स वगैरह तो देखे ही होंगे यूट्यूब पे, तो आपको कभी ऐसा मन किया होगा कि वो जो टेक्सचर पैक आपको एनिमेशन में दिखाते हैं वैसा ही टेक्सचर पैक आप लोग नॉर्मल माइनक्राफ्ट में भी चला के खेले। तो अगर आपको वैसा ही टेक्सचर पैक खेलना है तो ये वाला टेक्सचर पैक आपके लिए एकदम बिल्कुल ही बढ़िया है। तो इसका नाम है बेयर बोन्स, तो ये पूरी गेम को एकदम एनिमेशन जैसा बना देता है। तो ये क्या करता है कि देख सकते हो चारों तरफ, और ये जो
एक्स्ट्रा पैक है ये पूरी तरीके से। आप अगर माइनक्राफ्ट के कोई भी ट्रेलर्स वगैरह या कोई भी वीडियोस यूट्यूब में अगर देख लो जो कि माइनक्राफ्ट ऑफिशियल्स का है, तो वो जो जैसा टेक्सचर पैक उनके वीडियो में होता है वैसा ही एकदम इस टेक्सचर पैक में दिया गया, जैसे कि आप लोग चारों तरफ देख सकते हो। तो हाँ, अगर आपको कुछ एनिमेशन जैसे या एनिमी टाइप टेक्सचर पैक पसंद आता है तो ये वाला टेक्सचर पैक आपके लिए एकदम परफेक्ट है, तो इसे भी आप लोग ऐड करके खेल सकते हो। अभी चलते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट टेक्सचर पैक की ओर। तो ये वाले टेक्सचर पैक में ज़्यादा कुछ बताने को तो है नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट फिफ्थ नंबर पे चला जा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं हमारे लास्ट टेक्सचर पैक की ओर। तो गाइस, हमारे जो फिफ्थ नंबर पे टेक्सचर पैक है इसका नाम है लेजेंडरी। ये कह सकते हो एक मेडिवल फैंटेसी जैसा अगर आपको कोई टेक्सचर पैक चाहिए तो इसमें वो है। और ये सच बताओ तो ये जितने भी मॉब्स है वो हॉस्टाइल हो या नॉर्मल हो, इन सभी के टेक्सचर इसका कस्टम मेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी और काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो एकदम मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो वैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे चारों तरफ घूम के देख सकते हो। तो मैं एक मॉन्टाज वीडियो ऑन कर दे रहा हूँ और इस मॉन्टाज का आप लोग मजा लो। तो गाइस, आज वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, जैसे कि कहा था कि 30 लाइक्स का गोल है तो जल्द से कंप्लीट कर देना। तो गाइस चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड गुड बाय।